नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट, मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत करते हैं रात 10 बजे तक की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले खबरें राज्यों से जुड़ी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का छात्रों को बड़ा तोहफा, 10 लाख तक ले सकेंगे शिक्षा लोन। लॉन्च किया गया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कक्षा 10 से 40 साल की उम्र तक पढ़ने वाले लोग ले सकते हैं लोन। এবার আমরা চালু করতে চলেছি স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড। এর জন্য আমরা গর্বিত এবং নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমাদের সরকার আসলে এটা করবে, এবং আগেই কৃষক বন্ধুটা আমরা করে দিয়েছি, এবং আজকে এটা একটা বিরাট কাজ। সারা বিশ্বে এত বড় প্রকল্প এই প্রথম, দেশেও তো বটে। স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডে 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত, মনে রাখবেন ছাত্রছাত্রীরা ঋণ নিতে পারবেন। কলকাতা মে অ্যাপ ক্যাব নে 15% তক বড়ায়া কিরায়া, সংগঠনো নে কি কমিশন কম করনে কি অপিল। হাইকোর্ট নে অপর প্রাইমারি মে 14,500 টিচারো কি নিযুক্তি প্রতিক্রিয়া পে লগায়া স্টে। রাজ্য মে এক দিন মে করোনা সংক্রমণ কে 1478 নয় মামলে আয়ে সামনে, তো 29 কি হুই মৌত। SSKM और उत्तर बंगाल में बनेगा कैंसर अस्पताल, ममता बनर्जी ने की घोषणा। फर्जी वैक्सीन मामले में ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं, लगाया आरोप, बोली हो सकता है भाजपा का हाथ। तू मिथ्या कथा शुद्ध जालियाती और ये सब केस गुलो बीजेपी साजिए करे नि तारी बा प्रमाण कोथाय जरा बीजेपी साजिए जे केस करे तारा तृणमूल दूर छवि तुले रखे এই অন্যায় যে করে, সে এ পার্টি হোক আর বি পার্টি হোক আর সি পার্টি হোক আর ডি পার্টি হোক, আমি কাউকেই বরদাস্ত করিনি এবং কাউকেই বরদাস্ত করছি না। বেনিয়াপুকুর মে ফার্জি ভিজিলেন্স অধিকারী হুয়া গিরফতার, অভিযুক্ত কে পাস সে নীলি বক্তি ওয়ালি কার আর সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স স্টিকার হুয়া জব্ত। অটো চালকো নে লগাই গুহার, উনকে বারে মে ভি সোচে সরকার। সরকার সে ইয়াহি বোলেঙ্গে চার প্যাসেঞ্জার লেকে চলে। मुर्शिदाबाद में नकली सिम बनाने का भांडाफोड़, एक गिरफ्तार। कोलकाता में पार्किंग फैसिलिटी फिर से होगी शुरू, KMC के प्रशासक मंडली के सदस्य देवाशीष कुमार ने इसकी जानकारी दी। राजबिहारी के विधायक ने कहा कि 1 जुलाई से शहर में पार्किंग फैसिलिटी फिर से शुरू होने जा रही है। कोविड सिचुएशन एवं लॉकडाउन पार्किंग बंद छो, हम 1 जुलाई आगामीकाल पार्किंग रात्रि 8 अब्दि चालू थक। अब रुक करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी खबरों की ओर। किसान आंदोलन, गाजियाबाद बॉर्डर पर भाजपा समर्थकों और किसानों के बीच मारपीट, कई गाड़ियों में तोड़फोड़, मौके पर तैनात पुलिस। कोविड मुआवजे पर राहुल गांधी बोले, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया। कल का मौसम, महानगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। सभी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्ट्रीट। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।